हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तापू सिंह और आज हम बनाएंगे लौकी मुठिया। इस मुठिया बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सारी रेसिपी आप तक पहुँच पाए। और हमें लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम बनाते हैं लौकी मुठिया। लौकी के मुठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ लौकी को अच्छे से छीलकर और इसे धोकर साफ कर लिए हैं और अब इसे हम ग्रेटर में ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से ग्रेट कर लेना है। सारे लौकी को मैंने ग्रेट कर लिए हैं और अब इसी में हम 1 इंच अदरक भी ग्रेट कर लेते हैं। एक हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। 1 कप बेसन, चने का बेसन। 1 कप सूजी, 1 कप आटा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा है, 1/2 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक डालें, 2 टीस्पून ऑयल, व्हाइट ऑयल डालते हैं, 1/4 टीस्पून हींग। सारे चीज़ों को हमें एक साथ मिलाना है, जिस तरह हम आटा लगाते हैं रोटी के लिए उसी तरह इसे भी लगाना है। टाइट आटा लगाना है इसमें। अगर नरम हो जाता है तो इसमें थोड़ा आटा आप ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालते हैं, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं आटे में। जाली वाला हमें खाली लेना है और इसमें हम ऑयल ब्रश कर देते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और मुठिया को बना लेते हैं। इस तरह का लंबे आकार में बनाना है। सारे मुठिया को इसी प्रोसेस में हम बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने 2-3 ग्लास पानी डाले हैं और पानी अच्छे से गर्म हो गया और अब हम इस मुठिया को इसके ऊपर रख देते हैं और ढक देते हैं। 15 से 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देना है। 20 मिनट बाद हम चेक करते हैं, हमारा मुठिया तैयार है और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मुठिया को पीसेस में काट लेते हैं।
अब हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, ऑयल गर्म होने पर 1/4 चम्मच जीरा डालते हैं, इसमें डालेंगे मुठिया। 1-2 मिनट इसे हम सौते कर लेते हैं, सैलो फ्राई करेंगे। हमारा मुठिया तैयार है, गैस ऑफ कर देते हैं। हमारा लौकी मुठिया तैयार है और इसे आप ब्रेकफास्ट में या शाम का नाश्ते में भी खा सकते हैं।